हे गाइस व्हाट्सअप दिस इज डी और आप देख रहे हैं डी ब्लॉग्स। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे मेरी तरह। तो फाइनली आज हम इंस्टॉल करने वाले अपने बाइक में रेडिएटर ग्रिल, रेडिएटर या ऑयल कूल जो भी कहना चाहो। वैसे तो हमारे बाइक के लिए हम रेडिएटर ही है क्योंकि ठंडा करता है अपने इंजन ऑयल को। फैन वैन कुछ ऐसा लगा नहीं है पर फिर भी हम इसको रेडिएटर ही बोलेंगे। आप समझ जाना कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ आए तो इग्नोर करना क्योंकि विदाउट माइक हम शूट कर रहे हैं। और मैंने मंगवाया ये इंस्टाग्राम पे एक है कैसियो कस्टम करके, वहाँ से मंगवाया मैंने रेडिएटर। कस्टम ग्रिल है ये जिस पे अपने बाइक का नाम लिखा हुआ है रेड क्वीन। तो जल्दी से अनबॉक्स, पीछे से नहीं दिखाऊंगा क्योंकि एड्रेस वगैरह है। तो जल्दी से अनबॉक्स करते और स्टार्ट करते इस वीडियो को। और हाँ, जो लास्ट टाइम अपने गोप्रो में प्रॉब्लम हुई थी माइक अडेप्टर की, तो वो भी सॉल्व हो गई। तो उसमें हमें बोया का BYM1 वाला ही माइक लगाना पड़ेगा तो ही अपनी ऑडियो आएगी, वरना नहीं आएगी। तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो अब से हो सकेगा कि डेली या एक या दो दिन छोड़ के मोटो ब्लॉग करेंगे टाइम मिला। तो ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटो ब्लॉग करें। शॉर्ट्स पे आप काफ़ी अच्छा प्यार दे रहे हो तो वैसे ही वीडियो पे भी प्यार देना। तो चलिए ज़्यादा बोर नहीं करते और स्टार्ट करते वीडियो, क्योंकि पीछे देख सकते हो बादल पूरे काले हो चुके, आधे वीडियो में बारिश ना हो जाए इस वजह से। तो सबसे पहले दिखा देता हूँ आपको कि क्या क्या करना पड़ेगा और क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। और हाँ, इस रेडिएटर ग्रिल का जो इंस्टाग्राम पेज है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से परचेस करना चाहो तो परचेस कर सकते हो। सब कुछ रखते हैं वो, इंजन गार्ड, फिर रेडिएटर ग्रिल। कोई भी बाइक हो, ऐसा नहीं कि ओनली फॉर GT के लिए, कोई भी आपके पास बाइक हो उसके लिए आपको मिल जाएगा सब कुछ सामान। ऑलराइट गाइस, तो ये रही अपनी रेडिएटर ग्रिल। वैसे तो काफ़ी टाइम से जब हमने बाइक ली तब से ये वीडियो पेंडिंग चल रहा था, तो मैंने खोल के वैसे तो देख लिया था अंदर कैसा क्या कुछ है, पर आज फिर से अनबॉक्स करते हैं। मैंने सैनोटक यहाँ पे लगा दी, पीछे से नहीं दिखा सकता क्योंकि ये वहाँ पे हमारा एड्रेस वगैरह है। तो जल्दी से ओपन करते हैं। तो ऐसी कुछ है अपनी रेडिएटर ग्रिल, देख सकते हो आप। और यहाँ पे सिल्वर कलर में दिखा है कि रेड क्वीन, अपनी बाइक का नाम रेड क्वीन है। और हमें कुछ स्टिकर्स और किचन ये गुडीज मिलते हैं इसके साथ। बस इस बॉक्स के अंदर इतने से और कुछ नहीं था, इसको साइड में रखते हैं और इसको निकालते हैं बाहर। वैसे तो स्टॉक भी काफ़ी अच्छी है पर ये इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी मजबूत है, तो इस वजह से मुझे चेंज करने का मन था। और इसमें नाम, अपना नाम कस्टमाइज हम करवा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है मुझे। तो इसको रखते हैं साइड में और निकाल के आपको दिखाता हूँ। हियर वी गो, देख सकते हो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी और काफ़ी मोटा एल्यूमिनियम है। और जो नाम लिखा हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जब लग जाएगा ऐसे तो काफ़ी अच्छी लुक आएगी। तो चलिए इसको इंस्टॉल करके, ज़्यादा बोर नहीं करता। और यहाँ पे कैसियो कस्टम की ब्रांडिंग भी हुई है और ये रहा अपना बाइक का नाम। तो निकालते हैं इसको जल्दी से और टाइम लैप्स आप इंजॉय कीजिए। तो ग्रिल की तो आपने अनबॉक्सिंग देख ली और अभी हमें इस ग्रिल को निकालने के लिए ये दो जो फोर पेल स्क्रू है, मतलब ये डिसमिस से निकलेंगे, तो ये दोनों ओपन करने और अपनी ग्रिल निकल जाएगी। ऊपर की साइड तो रबर माउंट है तो बस थोड़ा सा हल्का सा ऊपर करो और ये रबर माउंट निकाल के अपने जो ये नई रेडिएटर ग्रिल है इसमें ऊपर होल दिए हुए तो उसमें लगा दो। और वापस से लगा के यहाँ पे दो जो हमने नट बोल्ट निकाले थे वो वापस से लगा देंगे और अपनी रेडिएटर ग्रिल लग जाएगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते, बस ये दो ही ओपन करना। ये अपने रेडिएटर ग्रिल के नहीं है, ये अपने रेडिएटर के, और ये जो बीच में है दो वो रेडिएटर ग्रिल के है। तो यही ओपन करना वरना ये निकल जाएगा अपना रेडिएटर। तो जल्दी से टाइम लैप्स स्टार्ट करते और आप देखो टाइम लैप्स में हम इसको निकालने के प्रोसेस स्टार्ट करते। फाइनली अपने दोनों रेडिएटर ग्रिल के नट बोल्ट हमने निकाल लिए, देख सकते हो आपने। और ये जो वाला, ये वाला जो 10 नंबर का रेडिएटर का अपना नट बोल्ट था उसको थोड़ा सा लूज़ करना पड़ा क्योंकि
ये वॉशर वाले नट है तो थोड़ा सा टच हो रहा था तो इस साइड का निकालना पड़ा। ये तो खैर टच नहीं हो रहा था पर ये वाला टच हो रहा था तो इसको मैंने थोड़ा सा लूज़ कर लिया है। तो अभी सीधा इस तरह से पीछे की साइड आप खींचोगे और इसको ऊपर की साइड करोगे तो बस इस तरह से अपनी रेडिएटर ग्रिल बाहर आ जाएगी। और ये अपने 10 नंबर के नट बोल्ट इन दोनों को साइड में रखते हैं तो कुछ इस तरीके की अपनी रेडिएटर ग्रिल है जो पुरानी वाली है। और ये अपना रेडिएटर तो वैसे तो काफ़ी अच्छी है पर इसकी थिकनेस काफ़ी पतली है और ये देख सकते हो ये अपनी नई तो ये काफ़ी मोटी है और काफ़ी हैवी है इसके मुकाबले। और दिखा भी देता हूँ आपको साइड बाय साइड रख के तो देख सकते हो। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को इन दोनों में से कौन सी अच्छी लग रही है। तो मुझे पर्सनली यही अच्छी लग रही है। सोचा था कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर वीडियो बनाऊं पर अभी काफ़ी टाइम बाद पर जो भी हो हमने वीडियो बनाया। और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सी रेडिएटर ग्रिल अच्छी लग रही है। और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और मेहनत भी मेरी अच्छी लग रही है। तो जल्दी से इसे इंस्टॉल करते हैं और फिर फाइनल लुक आपको दिखाता हूँ कि कैसी लग रही है अपनी रेडिएटर ग्रिल इसके ऊपर। ग्रिल नहीं। तो फाइनली आप देख सकते हो हमारी रेडिएटर ग्रिल लग चुकी है। टाइम लैप्स में आपने देख ही लिया होगा कि कैसे हमने इंस्टॉल किया है और काफ़ी अच्छी लग रही है। देख रहे हो पीछे गाड़ी आ रही है, 2 मिनट जाने देते हैं उसको। हाँ तो देख सकते हो काफ़ी अच्छी लग रही है और काफ़ी अच्छा लुक आएगा और फोटोज में भी काफ़ी डोप लगेगी। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा और आपको लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा कि कैसे आप GT में अपने खुद से ही रेडिएटर ग्रिल लगा सकते हो। तो सब कुछ मैंने लगा दिया है और यहाँ पे एक स्टिकर भी लगा है आगे की साइड जो हमें अंदर रेडिएटर ग्रिल के साथ हमें मिला था, वो स्टिकर भी हमने लगा दिया है। तो बस इतना ही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ D Vlogs, bye bye.